हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में पोल्ट्री का क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि जो है कौन सा मीट टाइप का होता है, कौन सा एग टाइप का होता है। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट रिवीजन। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने इधर आज का जो टॉपिक है पोल्ट्री ब्रीड क्लासिफिकेशन, तो इसमें एग टाइप, मीट टाइप, ड्यूअल टाइप, फैंसी टाइप, गेम टाइप, इंग्लिश टाइप, मेडिटेरियन टाइप, अमेरिकन क्लास एंड एशियाटिक क्लास, इतने तरह के होते हैं। और इसमें डिफरेंट जो है पोल्ट्री रखे गए हैं। जैसे एक टाइप में क्या होता है, मिनोर्का, एनकोना, लेगहॉर्न एंड एंडोलेशियन। ठीक है, मिनोर्का, एनकोना, लेगहॉर्न, एंडोलेशियन, इसको याद कर सकते हो आप माला, MALA, इसको याद कर सकते हो मिनोर्का, ए से एनकोना, एल से लेगहॉर्न और ए से एंडोलेशियन। ठीक है, माला के नाम से। अब दूसरा जो है मीट टाइप, मीट टाइप में क्या होता है, कॉर्निस, कोचिन, एसेल, लैंगसेन। ठीक है, कॉर्निस, कोचिन, एसेल, लैंगसेन, इसको याद कर सकते हो कोको असला, कोको असलांग, असलांग। ठीक है, कोको असलांग। को फॉर कोचिंग, कॉर्निस, अस मतलब एसएल, लॉन्ग मतलब लैंगसेन। ठीक है, अब आ जाइए ड्यूअल पर्पस। ड्यूअल पर्पस ब्रीड में कौन कौन सा है आपको याद रखना पड़ेगा, RIR, प्लाईमाउथ रॉक, विंडोट, ऑर्पिंगटन एंड डॉर्किंग। ठीक है फ्रेंड, अगला जो है फैंसी टाइप। फैंसी टाइप को जो है किस तरह से याद रखेंगे, एंडलुसियन, पो, पुलिस एंड हैम्बर्ग। तो फ्रेंड, इसको मैंने याद किया है कि मुंबई में जो है बहुत फैशन है किसका, अंडा पोहा का। ए हो गया अंडू, मतलब अंडा पोहा, अंडा पोहा, अंडा मतलब एंडलुसियन, पो मतलब पुलिस, हा मतलब हैम्बर्ग। ठीक है, अंडा पोहा का फैशन बहुत ज़्यादा है मुंबई में। तो ठीक है, एंडलुसियन, पुलिस, हैम्बर्ग। अगला जो है गेम टाइप। गेम टाइप में एक ही है, असली गेम मतलब असल। ठीक है, असल, तो गेम टाइप में क्या होता है, असल। अब आ जाइए इंग्लिश टाइप। इंग्लिश टाइप में सुसेक्स, एस्ट्रोलॉप, ऑर्बिंगटन, डॉर्किंग एंड कॉर्निस। तो इसको मैंने याद किया है सू आस, सू आस और डॉर्कॉर, डॉर्कॉर। ओके, एक्चुअल में इंग्लिश टाइप है तो थोड़ा सा इंग्लिश तेरा नाम भी लगना चाहिए, सू आस, सू आस और डॉर एंड कॉर। ठीक है, सू मतलब सुसेक्स, ऑस्ट्रेलॉप और मतलब ऑर्पिंगटन, डॉर डॉर्किंग, कॉर कॉर्निस। ठीक है, अब आ जाइए मेडिटेरियन टाइप। मेडिटेरियन में क्या हो सकता है, मेडिटेरियन में क्या रखा गया है, मिनोर्का, एनकोना, लेगहॉर्न। तो इसको जो है जो ऊपर MALA है तो उसमें से ए हटा देंगे, मतलब कि MAL, माल, मतलब मिनोर्का, एनकोना, लेगहॉर्न, मिनोर्का, एनकोना, लेगहॉर्न से याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए अमेरिकन क्लास। अमेरिकन क्लास में फ्रेंड याद रखिए, जो ड्यूअल पर्पज के है स्टार्टिंग के तीन, ठीक है, आपको तो यही याद रखना है, मतलब RIR, प्लाईमाउथ रॉक एंड विंडोट। तो RIR, प्लाईमाउथ एंड विंडोट ये याद रखना है। और दो और ब्रीड याद रखना है, न्यू हैम्पशायर और जर्सी ब्लैक जियंट। तो जर्सी ब्लैक जियंट का एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसका वेट जो है लगभग 5.91 kg तक होता है। ठीक है, अब आ जाइए एशियाटिक। एशियाटिक मतलब कि अपना इंडिया भी उसमें आता है, तो इसमें जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखो और इनका ब्रीड याद रखो। जैसे एसएल, एसएल कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ पाई जाती है, अंकलेश्वर ये जो है गुजरात में। ठीक है, बरसा गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। ब्राउन देसी ये यूपी का फेमस मुर्गी है। जो चितकांग है ये ईस्टर इंडिया का है। ठीक है, ईस्टर इंडिया का चितकांग, इसको जो है मलाई भी बोलते हैं।
डांकी आंध्र प्रदेश का, घागस हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका का, हरिंगहटा ब्लैक कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, ठीक है, कड़कनाथ ये जो है एमपी का है, नेकेड नेक महाराष्ट्र का है, फ्रिजल फाउल नॉर्थन रीजन में फ्रिजल फाउल है, टेलीचेरी कर्नाटका, टिटरी उड़ीसा, पंजाब ब्राउन नाम से ही है पंजाब ब्राउन यानी पंजाब का, कैलास्थी मतलब पंजाब ब्राउन जो है पंजाब और हरियाणा दोनों का है, कैलास्थी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो फ्रेंड आपको याद रखना है एशियाटिक आंध्र प्रदेश का है, अंकलेश्वर गुजरात का है, बरसा गुजरात महाराष्ट्र का है, ब्राउन देसी यूपी का है, चितकांग ईस्टर्न पार्ट का है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट इंडिया के, तो ये जो है इसको मलाई भी बोलते हैं, डांकी ये भी आंध्र प्रदेश, घागस आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का है, हरिंगहटा ब्लैक वेस्ट बंगाल का है, कड़कनाथ एमपी का है, नेकेड नेक महाराष्ट्र, फ्रिजल फाउल ये नॉर्दर्न पार्ट का, टेलीचेरी जो है ये केरला का है, टिटरी उड़ीसा का है, पंजाब ब्राउन पंजाब हरियाणा का है, कैलास्थी जो है आंध्र प्रदेश का है। तो फ्रेंड ये रहा क्लासिफिकेशन, इसके अलावा बहुत सारे डेवलप्ड ब्रीड रहते हैं उसके बारे में भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड कुछ डेवलप ब्रीड हैं पोल्ट्री के उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कैरी रेट से क्रॉसिंग कराई गई एसएल से, एसएल जैसा कि कौन सा ब्रीड रहता है, गेम टाइप का, ठीक है, तो वो क्या होता है याद करने का तरीका क्या होता है, ऐसे जो गेम टाइप वो निर्भीक होते हैं, तो इसको याद करिए कैरी निर्भीक, कैरी निर्भीक, ठीक है, एक्चुअल में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये सभी बनाए गए हैं, ठीक है। कड़कनाथ ये क्या है, कड़कनाथ जो है ब्लैक होता है, ब्लैक मीट, ठीक है, तो ब्लैक को क्या कहते हैं, श्याम, तो इसको कैरी श्यामा बोल सकते हैं, कैरी श्यामा, ओके। फ्रिजल प्लूमोज, फ्रिजल प्लूमोज में जो है कैरी रेट से अगर फ्रिजल प्लूमोज होता है तो यू मतलब उपकारी, कैरी उपकारी नहीं, इसका उपकारी नाम ही है, उपकारी, ठीक है, फ्रिजल प्रोमोज से। अगर नेकेड नेट से कैरी रेट की होती है हितकारी, ठीक है, नेकेड नेक याद करने का कैसे दिमाग में रखेंगे, हित नेकेड नेक मतलब कि पूरा जो है नेकेड रहता है उसका नेक, तो उस कैरी रेट से क्रॉस हो जाता है तो उसका हित हो जाता है, ठीक है, नेकेड नेक तो हो जाता है हितकारी, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और अगला जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस बंगलौर, ठीक है, तो वहाँ से कौन सा होता है, गिरिराजा एंड स्वर्णधारा, तो इसको जो है स्पेशली एक के लिए डेवलप किया गया था, तो स्वर्णधारा जो है इसका जो है एक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू गिरिराजा। अब अगला जो डेवलप ब्रीड है वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, यहाँ से जो बनाया गया है वहाँ से वन राजा एंड कृषि ब्रो ये दो ब्रीड बनाए गए हैं, ठीक है। और फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बता दूँ इसका जो फीड एफिशिएंसी रेशियो होता है मतलब फीड कन्वर्जन रेशियो वो बहुत ही कम होता है, मतलब फीड कम खाता है और उसका वेट गेन ज़्यादा होता है कृषि ब्रो, ठीक है, तो इसको फीड कन्वर्जन रेशियो इज वेरी लेस, तो इस तरह से इसको डेवलप ब्रीड। तो फ्रेंड ये सभी पोल्ट्री ब्रीड ख़त्म हो गया है, ओके, जय हिंद।